एल मंगेश दर में लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर. टुडे वी सी प्रैक्टिकल नंबर 3, दैट इज अ प्रैक्टिकल ऑन द स्टैंडर्ड वेरियस लर्निंग आउटकम दैट वी अचीव इन टुडेज लेक्चर आर स्टूडेंट आर एबल टू नो बेसिक्स ऑफ स्टैंडर्ड टाइम. Various program outcomes that we achieve in today's lecture are CU1, CU2, CU5, CU6, CU7 and program specific outcome is CS2. Now, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, this is called as a sausage chart for carrying out the different operation on this part. तो यहाँ पे सबसे पहले जो कॉलम में है activity, दूसरा है distance moved by the job, then time taken by each process, then the सिंबॉल, ओके, दैट इज अ ऑपरेशन, दैट इज अ इंस्पेक्शन, दैट इज अ ट्रांसपोर्ट, दैट इज अ डिले एंड दैट इज अ स्टोरेज. ओके, तो सबसे पहले देखना है मुझे, सबसे पहले जो ऑपरेशन करना है ये जॉब पे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले यहाँ पे कट करना पड़ेगा, कटिंग द एमएस बार. ओके, तो एमएस बार को अगर मैं कट कर रहा हूं तो ये ऑपरेशन हो गया, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे सिंबॉल दिया ऑपरेशन का. और डिस्टेंस कितना मूव करेगा ये स्टोरेज से लेके, अगर कटिंग जो मशीन लगी है वहां का डिस्टेंस 5 मीटर है, तो जो भी ऑपरेटर है वो 5 मीटर डिस्टेंस मूव करेगा विद द दिस जॉब. देन कट होने के बाद जो मुझे साइज मिल गया अभी 32 इंटू रॉ मटेरियल का साइज मिल गया, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, ये रॉ ट्रांसपोर्ट द एमएस बार फॉर मशीनिंग ऑपरेशन. ओके, मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, एमएस बार को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, मशीनिंग ऑपरेशन के लिए. तो ये ऑपरेशन यानी कुछ ऑपरेशन हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं हो रहा है, इंस्पेक्शन भी नहीं हो रहा है, डिले भी नहीं हो रहा है, स्टोरेज भी नहीं हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली मटेरियल विल ट्रांसफर फ्रॉम कटिंग सेक्शन टू द मशीनिंग सेक्शन, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने 10 मीटर डिस्टेंस लिखा है. देन लोड द वर्क पीस ऑन लेंथ एंड टूल पोस्ट. ओके, बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, लोड द वर्क पीस, अभी 0.5 मीटर का डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा मुझे, और उसके लिए जो लोड करने के लिए वर्क पीस कहाँ पे, ऑन द लेथ, इसके लिए कितना समय लग रहा है, 22.695 सेकंड. तो ये ऑपरेशन हो गया, दैट्स व्हाई ऑपरेशन का सिंबल आ गया है यहाँ पे. देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज द फेसिंग. तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने यहाँ से जॉब को होल्ड करके रखा है, तो इस साइड से मुझे फेसिंग करना पड़ेगा. अभी फेसिंग के लिए लगा मुझे 56.375 सेकंड, और मुझे इंस्पेक्ट भी करना पड़ेगा कि फेसिंग बराबर हुआ नहीं हुआ, दैट्स व्हाई दिस बोथ सिंबल, दैट इज अ ऑपरेशन एंड दिस वन इज अ इंस्पेक्शन. देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज अ टर्निंग, टर्निंग द एमएस बार अप टू द डायमीटर 30 mm. ओके, तो टर्निंग के लिए मुझे यहाँ पे समय लग रहा है 5.19 मिनट, तो ये भी ऑपरेशन हो गया. और आपको चेक करना पड़ेगा डायमीटर वेदर इट इज अ 30 mm और नॉट, तो ये भी ऑपरेशन हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पे भी इंस्पेक्शन करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज अ स्टेप टर्निंग. अभी स्टेप टर्निंग ऑपरेशन क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे डायमीटर कितना चाहिए, 22 चाहिए और 26 चाहिए, इसलिए मैं इतने लेंथ के लिए पहले एक स्टेप टर्निंग करूंगा, बाद में इतने लेंथ के लिए मैं बाद में एक स्टेप टर्निंग करूंगा, या फिर पहले 26 का डायमीटर लाके बाद में मुझे 22 का डायमीटर लाना पड़ेगा. तो इस ये भी ऑपरेशन हो गया आपका, दैट्स व्हाई ऑपरेशन सिंबल, इसके लिए कितना समय लग रहा है, 6.39 मिनट, और ये हो गया आपका इंस्पेक्शन का सिंबल. सिमिलरली नेक्स्ट वन इज अ चैम्फरिंग. तो चैम्फरिंग के लिए आपको समय लग रहा है, दैट इज अ ऑपरेशन इज अ चैम्फरिंग के लिए समय लग रहा है 16.325 सेकंड. ये भी ऑपरेशन हो गया और आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा वेदर द चैम्फरिंग एंगल इज अ करेक्ट और नॉट, दैट्स व्हाई दिस इंस्पेक्शन सिंबल. नेक्स्ट वन इज अ अनलोडिंग एंड लोडिंग डिले. तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइड के मेरे पूरे ऑपरेशन हो गए, तो अभी मुझे अनलोड करना पड़ेगा, देन मुझे ये जॉब को पलटा के यहाँ पे लगाना पड़ेगा टूल पोस्ट पे. ओके, तो इसके लिए मुझे 58 सेकंड लग रहा है, तो 58 सेकंड क्या हो गया आपका, ये डिले हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज द फेसिंग. फेसिंग के लिए आपको कितना समय लग रहा है, 1.8 सेकंड, मतलब आप इस साइड से फेसिंग करोगे अभी. देन टर्निंग ऑपरेशन के लिए आपको लगेगा 2.59 मीटर, बिकॉज आपको डायमीटर लाना पड़ेगा अभी 22 mm पहले, इसलिए आपको टर्निंग करना पड़ेगा यहाँ पे. देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज अ टेपर टर्निंग. देन टेपर टर्निंग करना पड़ेगा अप टू द लेंथ ऑफ 20 mm. देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज अ नर्लिंग. नर्लिंग करना पड़ेगा आपको 10 mm के लिए. और नेक्स्ट ऑपरेशन इज अ अनलोडिंग.
तो आपको वर्क मेजरमेंट में क्या करना है, जितने ऑपरेशन इसके हुए ये टोटल टाइम आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने टोटल कैलकुलेट करने के बाद इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो टाइम आ रहा है दैट इज द 24.34 मिनट। ओके, नाउ कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। द स्टैंडर्ड टाइम इज द टोटल टाइम इन विच अ जॉब शुड बी कंप्लीटेड एट अ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। मतलब कोई भी एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम लग रहा है बाय कंसीडरिंग ऑल द अलाउंसेस दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम इज कॉल्ड एज अ बेसिक टाइम प्लस अलाउंस। Thanks for any query, contact to this number.